Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। मीना जी, हम मानत बानी कि जब लोग पुलिस और कोर्ट में आवेला तो डरा जाला, तो रउआ के भी डरा पाएगा, लेकिन ऐसे झूठ ना बोले के चाहिए, ऐसे झूठ ना बोले के चाहिए। केशव जी, हम कौनो झूठ नहीं के बोले बानी। अभी रउआ कौन हालात से गुजर रहा बानी हम समझ सकेंगे। रउआ हमारे परिवार के लोग के झूठा साबित कर रहा बानी, ठीक बा, लेकिन रउआ अपने बाबूजी की बात के खारिज कर रहा बानी, ये ठीक नहीं थी। मीना जी, जिंदगी में हम बस एगो बात सीखनी कि सच्चाई की राह कितना भी कठिन हो, लेकिन अंत में जी सच्चाई की वो खेला। रउआ भी सच्चाई के राह पे चले, मुश्किल समय में हिम्मत और शांति से काम करे के चाहिए। ऐसे पानी पी के मन के शांत करें। तब तक हम खाए का इंतजाम करत बानी। हम रउआ के कैसे समझाए कि हम झूठ नहीं के बोलत बानी, यही से हमके यकीन बा ये मुकदमा हम ही जीते। दीदी, फोन आवत है। दीदी, हेलो भैया, हम क्या नहीं लागत कि दीदी फोन पे बात कर पाई है। अच्छा, ये सब छोड़ी ना, पहले ये बताई कि वो चुड़ैलिया के फांसी के फैसला भइल कि ना। अरे छोटकी कनिया, फोन के स्पीकर पर लगाओ। हाँ हाँ भैया, कर देनी स्पीकर पे। देखा, अभी तक कोनो फैसला नहीं है और ये केस एगो अलग ही मोड़ ले ले, ले बा। और सबसे बड़ा अचरज वाला बात तो ई बा कि मीना हर बात से इनकार कर रहल बड़ी, तो झगड़ा के तो कोनो बाते नहीं खे। और इतने ना उनकर बाप जो गवाही देले बड़े उकरे के स्वीकार करे से इनकार कर रहल बड़ी। का मतलब भैया, माने वो बच जाए का? अरे कोर्ट कचहरी कोनो खेला थोड़े होला कि केहू बच जाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी नहीं खे आई। रिपोर्ट का है भैया, वो कौन मार जाने बीमार पड़ गई भैया। अभी उनकर नाखून और हाथ के निशान के मिलान हुई। अभी वो अपना मुंह से बताओ तरीके हम मुझे रहबे ना कहनी। जबकि वो अपना बहिन के चेहरा पर और सिंटू के देह पर अपना उंगली से निशान मर ले ली। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई तब पता चल जाई कि वो निशान उनकर देहल रहे कि ना रहे। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट के सच्चाई से वो इनकार नहीं कर सकत। अच्छा अच्छा भैया, हम समझ गई नी। हाँ तो ठीक बटे, अब फोन रखा तू, जैसे रिपोर्ट आई तो हम फिर दोबारा फोन करें, ठीक बा? चल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।